भगवान के सामने वो ये आस करती है कि काश सारी सच्चाई अंगद के सामने आ जाए कि उसने कभी सपने में भी नहीं अपने पति का बुरा चाहा। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती क्योंकि वह अंगद की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वहां पर वीर उसका पूरा साथ देता है, लेकिन कीरत कॉल कर उसे बता देती है कि वहां पर आने वाली है सीरत बीबी। तभी साहिबा को ऐसा लगता है कि आखिर सीरत क्यों अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती। जो भी पास्ट में हो उसको भूल कर अपनी जिंदगी अब एक नई सिरे से उसे शुरू करनी होगी, नहीं तो ना वो पढ़ लिख पाएगी ना कुछ काम कर पाएगी। लेकिन सीरत कुछ समझना नहीं चाहती है। वहां पर जब सीरत और साहिबा दोनों साथ में होंगे तब अंगद भी वहां जरूर पहुंचेंगे, और एक बार फिर से सीरत को देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार साहिबा ही है। क्या भगवान साहिबा की सुनेंगे और बहुत जल्द सारी सच्चाई आएगी सबके सामने, या फिर इस बार भी खाली हाथी साहिबा को जाना होगा क्योंकि इस बार त्योहार पर उसने व्रत रखा है और इतना सब कुछ वो दान पुण्य कर कर वो ये चाहती है। इसके मन की यही मन्नत है कि बस एक बार गैरी का सच सभी परिवार वालों के सामने पूरी तरह से प्रेजेंट हो पाए।